एंड यहाँ पर आके आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कैनेडा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। उस वजह से भी मेरा बैग काफी हैवी हो गया था, मैं ज्यादा ही डर गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा एंड वो डिस्काउंट काफी अच्छा होता है। थोड़े से हल्के क्वालिटी के हैं, तो यहाँ पर वो जो गैस स्टव होता है उसमें इतनी ज्यादा हीट होती है कि थोड़े बहुत ना वेसल्स बेंड टेढ़े। इस मसाले यहाँ पर बहुत चीप है, इतने एक्सपेंसिव नहीं है, $1 से $3 के बीच में आपके ऑलमोस्ट सारे मसाले आ जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आई एम सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू पोस्ट इन द रीसेंट पास्ट, एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे इंस्टाग्राम में मैसेजेस आते हैं आस्किंग अबाउट इफ एवरीथिंग इज गुड। तो यस, एवरीथिंग इज गुड, इट्स जस्ट दैट आई हैव गॉट अ पार्ट टाइम जॉब एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दैट जॉब इन द कमिंग वीडियोज। फॉर टुडे लेट मी जस्ट स्टिक टू द टॉपिक दैट आई वॉन्टेड टू मेक। सो इट्स अबाउट द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू शुड ब्रिंग फ्रॉम इंडिया इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा, स्पेशली इन द समर इनटेक। सो इट्स ऑलमोस्ट अप्रैल एंड काफ़ी सारे लोग तो अपनी पैकिंग शुरू भी कर रहे होंगे। सो आई थिंक दिस इज द करेक्ट टाइम वेन आई शुड यू नो टेल यू अबाउट द थिंग्स यू शुड डेफिनेटली ब्रिंग एंड यू शुड नॉट ब्रिंग। तो क्या हुआ था ना कि वाइल आई वॉज ऑल्सो पैकिंग, तो मुझे भी बड़े सारे यूट्यूब पे वीडियोज आई सॉ अ लॉट ऑफ देम, उनके हिसाब से आई मेड अ लॉट ऑफ लिस्ट, है ना। मैं बहुत डरी हुई थी कि मुझे ये भी खरीदना है, मुझे वो भी खरीदना है, मुझे ये भी लगेगा वहाँ पर, मुझे कैनेडा में ये भी चाहिए होगा, वहाँ पर ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब जब मैं यहाँ आ चुकी हूँ ना, तो अब इफ़ आई लुक बैक टू दैट टाइम, मैं सोचती हूँ मैं कितना ज़्यादा ही डर गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इतने डरने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बेमतलब का उठा के लेके आई हूँ, जो मुझे ज़रूरत नहीं थी, बेमतलब का मेरा वेट बढ़ गया था। और उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास आपका फ़ोन है तो आप सिर्फ उसी को लेके आइए। अगर आपका मूड करेगा नया खरीदने का तो प्लीज़ बाय इट हियर इन कैनेडा। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे होंगे तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा एंड वो डिस्काउंट काफ़ी अच्छा होता है गाइज। दूसरी बात, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हो और आपको इतना भारी भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप यहीं आके खरीदो। सेम गोज़ विद द लैपटॉप, अगर आपने नया लैपटॉप नहीं खरीदा है या तो आपको बहुत अच्छी सेल पे इंडिया में मिल रहा है, लाइक फ्लिपकार्ट की कोई सेल चल रही है, अमेजोन की कोई सेल चल रही है, तो आप वहाँ से खरीद लो। अदरवाइज आप यहीं पर आके खरीदो। और अगर आपका पुराना लैपटॉप है और जो आपके कॉलेज के रिक्वायरमेंट्स है उसमें वो सब मीट हो रहा है, देन डोंट बाय अ लैपटॉप देयर। आई वुड सजेस्ट कि आप यहीं से कैनेडा से ही वो लैपटॉप बाय करें। अगेन उसके पीछे का रीज़न, यहाँ पर सेल्स चलती है, समर सेल्स, और कोई भी आप कभी भी चीज़ परचेज करोगे तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट तो ज़रूर मिलता है। तो वो एक चीज़ हो गई यहाँ पर लैपटॉप्स एंड फोन्स की। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस, वो है ऐसा एक अडैप्टर, दिस इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल अडैप्टर, और ऐसी पिन्स यहाँ पर कैनेडा में लगती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप कैनेडा में बाय करते हो तो आपका जो भी चार्जर होगा लैपटॉप का या फ़ोन का, उनके आगे यही पिन लगी होगी, तो यू डू नॉट हैव टू कैरी दिस एवरीवेयर। लेकिन मुझे तो हर जगह इसको कैरी करके जाना पड़ता है, क्योंकि कहीं पर भी मुझे अपना फ़ोन चार्ज लगाना है तो आई हैव टू यूज़ दिस, या लैपटॉप चार्ज करना है तो आई हैव टू यूज़ दिस, एंड यू शुड डेफिनेटली ब्रिंग दिस। तो ये हो गया जी हमारा यूनिवर्सल अडैप्टर। इसमें अलग अलग पिन्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से, लाइक इंडियन पिन्स हैं, यूरोपियन हैं, सब कुछ यूके में जो चलता है सब कुछ, तो इसमें आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ यूनिवर्सल अडैप्टर, और ये ऐसे दिखता है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको ये अडैप्टर इंडिया से नहीं मिल रहा है, इट्स ओके, आपको यहाँ पर कैनेडा में भी मिल जाएगा। मैंने खुद कैनेडा में आके खरीदा है, तो इतनी कोई बड़ी डील नहीं है। तो ये तो हो गया जी हमारा इलेक्ट्रॉनिक में। जो तीसरी चीज़ आती है वो होता है हमारा पावर बैंक। आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत अच्छे से एक पावर बैंक में इन्वेस्ट करिए, बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट। कभी कभी मैं फ़ोन चार्ज करना भूल जाती हूँ, तो आई हैव टू जस्ट यू नो टेक द पावर बैंक एंड इट सेव्स मी थ्रू आउट द डे। कभी कभी रात को फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है एंड आई हैव टू गेट द न्यू नेक्स्ट बस, मेरे को अपना रूट चेक करना है, अपने घर वालों से बात करनी है, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है, तो आई हैव दिस पावर बैंक दैट सेव्स मी ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो पावर बैंक इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, टू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग दैट। अब नेक्स्ट आते हैं हम कपड़ों में, क्योंकि मैं विंटर्स में आई थी, तो लेट मी जस्ट फर्स्ट फिनिश ऑफ द विंटर स्टफ। तो मैं लाई थी विंटर जैकेट, विंटर शूज़, स्नो शूज़, तो मैं अपने नॉर्मल शूज़ भी लेके आई हूँ, स्नीकर्स लेके आई हूँ, बाकी के शूज़ लेके आई हूँ। ब्रिंग अ पेयर ऑफ चप्पल्स, बिकॉज अंदर आप चप्पल्स में ही घूमते हैं। आई ब्रॉट अ लॉट ऑफ सॉक्स, लाइक मुझे किसी ने मिसगाइड कर दिया था, तो आई ब्रॉट लाइक 10 पेयर्स ऑफ सॉक्स, इतनी भी ज़रूरत नहीं है, 5 पेयर ऑफ सॉक्स इज़ ओके।
एंड देन आई ब्रॉट 3 पेयर ऑफ विंटर सॉक्स दैट आई थिंक वॉज रिक्वायर्ड. सो एक यूज करके दूसरी मैं यूज कर सकती हूँ, जैसे वॉश करने के लिए रखा है तो आई कैन यूज सेकेंड वन. तो 3 पेयर ऑफ विंटर सॉक्स आई ब्रॉट. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ना मेरे वीडियो में दिख जाएगी, मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था अबाउट द थिंग्स, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई एम टेकिंग व्हाइल आई वाज पैकिंग. तो वो भी आप रेफर कर सकते हो. तो उसमें कुछ चीज़ है अपडेट जो मैं कर रही हूँ, इसी वजह से मैं अभी ये वाला वीडियो बना रही हूँ. तो अब विंटर्स में कैप्स हो गया, मफलर्स हो गया, तो ये तो हमारा है विंटर का स्टफ. तो क्योंकि आप समर में आ रहे हैं तो यू डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन अ विंटर जैकेट, तो आप विंटर जैकेट मत ही लाइए. यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस में कैनेडियन स्टफ से बनी ही हुई कैनेडियन विंटर के हिसाब से आपको यहाँ पर जैकेट्स मिल जाएगी. देखिए फॉर इंस्टेंस मैं अपनी जैकेट लाई थी इंडिया में जो मुझे पड़ी थी 9,000 रुपीज की, और वो था ओनली फॉर -25 डिग्री सेल्सियस. और जब मैं यहाँ कैनेडा आई मैंने देखा यहाँ पर जैकेट्स थी -40 डिग्री सेल्सियस तक की, एंड वो मुझे पड़ी थी सिर्फ 4,000 रुपीज इंडियन रुपीज के हिसाब से. तो यहाँ पर ना बड़ी सारी सेल्स लगी होती है, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप विंटर जैकेट लाओ बिकॉज आप समर्स में आ रहे हो, यू डू नॉट नीड अ स्नो जैकेट. तो ये तो हो गया जी हमारा विंटर का स्टफ. अब आते हैं हमारे समर में. तो ब्रिंग टॉवल्स, आई ब्रॉट टू. समर के क्लोथ्स आप खूब सारे लेके आइए, बिकॉज यहाँ पर मुझे तो जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ मुझे मिल नहीं रहे हैं. आई डोंट नो आगे जाके और मिले, क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं तो शायद समर का स्टॉक आया नहीं है. बट आई वुड से कि आप इंडिया से ही लेके आएँ कपड़े, थोड़े से यहाँ पर महंगे होते हैं कंपैरेटिवली, तो इंडिया से आप समर्स के क्लोथ खूब सारे लेके आइए. तब आते हैं बेडशीट्स. प्लीज़ ब्रिंग 2 पेयर ऑफ बेडशीट्स एंड पिलो कवर्स के, प्लीज़ ब्रिंग देम. डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग योर क्विल्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक कंबल या रजाई, पतली रजाई जैसे कंफर्टर कहते हैं, वो लेके जरूर आइएगा. उससे क्या होता है क्योंकि समर्स में भी यहाँ पर एसी चलते हैं तो आपको ठंडा लगेगा, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लेके आइए, क्योंकि विंटर्स में तो चाहिए चाहिए, समर्स में भी वी यूज अ क्विल्ट्स बिकॉज एसी के वजह से, है ना. तो नेक्स्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द स्लीपर्स, कि एक पेयर ऑफ स्लीपर्स आप जरूर लेके आइएगा. तब आते हैं गारमेंट्स, यू कैन ब्रिंग 5 पेयर ऑफ ईच. यहाँ पर भी अच्छे रीजनेबल प्राइस में आपको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे. तो ये तो हो गया जी हमारे कपड़ों का. अगेन आई एम इंसिस्टिंग, प्लीज ब्रिंग अ लॉट ऑफ समर क्लोथ्स. इट्स मेरे को है कि मैं नहीं लेके आई हूँ बहुत सारे, क्योंकि मैं विंटर्स में भी आई थी तो मेरे बड़े सारे क्लोथ्स विंटर के अकॉर्डिंग थे. ये स्प्रिंग 4-5 लाइक डिफरेंट विंटर स्वेटर्स हुडीज ऐसा भी आप लेके आ सकते हैं. तो विंटर्स के लिए भी यस यू शुड ब्रिंग दोज क्लोथ्स, बट विंटर जैकेट्स तो आप मत खरीद के लाइए. समर क्लोथ्स टॉप्स जरूर लेके आइए. जीन्स अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ ब्रिंग. मैंने बहुत सारी घर पे छोड़ दी थी, अब मैं पछता रही हूँ कि काश मैं उनको लेके आती. तो वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें बैग में डाल दी थी जिसकी वजह से मेरा बैग बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था. तो अब आते हैं कॉस्मेटिक्स में, क्योंकि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई हेयर. बहुत सारी लड़कियां होती होंगी, तो मेरे को जो हेयर मास्क इंडिया में यूज़ करती थी इट्स पैराफिन फ्री एंड सल्फेट फ्री मास्क, यहाँ पर मुझे मिला नहीं, तो फिलहाल मुझे लॉरियल यूज़ करना पड़ रहा है. तो मुझे लगता है जैसे मुझे वो सूट नहीं करता है. तो इफ़ यू कुड ब्रिंग लाइक अ स्मॉल पैक ऑफ योर हेयर मास्क, योर बॉडी वॉश, यू विल गेट ऑल योर बॉडी वॉश हियर. कोई भी आपको ब्रांड के साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, आपको सब यहाँ पर मिल जाएगा. तो आप सिर्फ एक हफ्ते का स्टॉक ही लेके आइए, सारी टॉयलेटरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. जस्ट ब्रिंग फॉर 1 वीक, सो दैट यू नो जब आप यहाँ पर आ रहे हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर यू विल डेफिनेटली गो आउट शॉपिंग और आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा. ब्रिंग योर सनस्क्रीन इफ यू आर वेरी पर्टिकुलर, जैसे मैं बहुत पर्टिकुलरली एक इंडियन ब्रांड है उसी का सनस्क्रीन यूज करती हूँ. तो मुझे है कि सनस्क्रीन वो ही लेना है, बट यहाँ पर भी आपको सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं. तो इट्स ऑल अप टू यू. तब अगर इफ आई टॉक अबाउट द स्टेशनरीज में गाइज, आई ब्रॉट लाइक अ नोटबुक, स्केच पेन्स, मार्कर, आई ब्रॉट इरेजर्स, आई ब्रॉट शार्पनर्स, पेंसिल स्टफ्स, आई ब्रॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट वॉज स्टूपिड ऑफ मी टू डू सो. आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा. डॉलर ट्री में चले जाइए, आपको सब कुछ $1 में, $1.5 में मिल जाता है. आपको डॉलर आमा में सब कुछ मिल जाता है. तो डोंट ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेशनरीज, जस्ट अ पेन एंड अ नोटबुक इज मोर देन इनफ. उसके बाद अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पर हमेशा कुछ भी खरीद सकते हैं, इतना एक्सपेंसिव नहीं है. तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने यूटेंसिल्स एंड स्नैक्स में. तो यूटेंसिल्स के लिए गाइस ज़रूर आप अपना एक अच्छा सा अच्छे से ब्रांड का कुकर लेके आइएगा, अच्छे से ब्रांड की कढ़ाई पैन, एक फ्राइंग पैन और अपनी एक छन्नी लेके आ जाइएगा, दैट्स इनफ.
आप कोई भी दालें मसाले मत लाइएगा। अगर आपको थोड़े बहुत मसाले लाने हैं, जैसे मैं लाई थी छोटे छोटे पैकेट्स, आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो, तो वो एक हफ्ते के लिए मेरे लिए काम आ गए थे, तो वो पैकेट्स आर मोर देन इनफ। तो मैं एक मसाला दानी भी लाई थी, वो भी मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है यहाँ पर, तो आप वो ला सकते हैं। रही बात चॉपर्स की, तो चॉपर आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। आप दो नाइफ लेके आ सकते हैं, सीजर्स आप लेके आ सकते हैं, बट आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा गाइज। मैं प्लेट्स भी उठा के लेके आई थी, कटोरियाँ प्लेट है ना, सब कुछ लेके आई थी, वो सब आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगेन आपको डॉलर ट्री में सब कुछ $1.50 में मिल जाता है, तो आप बेमतलब के बर्तन मत उठा के लेके आइएगा। सिर्फ और सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट वेसल्स है वो है कुकर, कढ़ाई, दो तीन करछियाँ, चार पाँच अपनी स्पून्स आप लेके आ सकते हैं, छन्नी, नाइफ्स है ना, और फ्राइंग पैन जो मैं लेके आई थी वो यहाँ पर यूज़ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वही वेसल्स थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं प्रेस्टीज का लेके आई थी, वो यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस में फ़र्क है, ज़्यादा भी नहीं है बट है। तो क्या होता है ना, जब आपका मटेरियल अच्छा होता है ना तो वो बेंड नहीं होते हैं, तो मैंने मेरे फ्रेंड्स के देखे हैं, उनके वेसल्स थोड़े से हल्के क्वालिटी के हैं, तो यहाँ पर वो जो गैस स्टव होता है उसमें इतनी ज़्यादा हीट होती है कि थोड़े बहुत ना वेसल्स बेंड हो जाते हैं, दे स्टार्ट बेंडिंग। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया से ही अपने वेसल्स लेके आए। तो दैट इज़ इट अबाउट द स्नैक्स गाइज। आपने मेरी इंडियन स्टोर वाली वीडियो देख ली होगी, आपको सारे इंडियन स्नैक्स यहाँ पर मिल जाते हैं, थोड़े से कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं, बट अगेन आपका बैग का स्टोरेज आपको बचता है, आप अपने कपड़े उस ला सकते हैं। तो मेरे पापा ने मुझे पिनिया बना के दे दी थी क्योंकि मैं विंटर्स में आ रही थी, तो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं वो, आप ला सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। घी भी इट्स अप टू यू, यहाँ पर भी घी मिल जाता है गाइज, तो बेमतलब कि आप एक एक किलो के डिब्बे घर से भर के लेके आओगे तो आपका अगेन वेटेज पड़ेगा, उतने में आप कुछ और भी ला सकते हो। तो आपको यहाँ पर घी मिल जाएगा, आपको यहाँ पर सारी दालें मिल जाएंगी, आपको सारे इंडियन मसालेज मिल जाएंगे, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, फ्रेश को से जाके खुले मसाले भी लेके आ सकते हो है ना। यहाँ पर इंडियन स्टोर्स भी होते हैं जहाँ पर आपको सारे मसाले मिल जाते हैं। इस मसाले यहाँ पर बहुत चीप है, इतने एक्सपेंसिव नहीं है, $1 से $3 के बीच में आपके ऑलमोस्ट सारे मसाले आ जाते हैं, तो आप प्लीज़ अपने मसाले एंड ऑल पे अपना वेट मत वेस्ट कीजिएगा। तो लास्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू टॉक अबाउट इज, क्योंकि आई एम अ गर्ल, पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स, अगर आपको मेकअप के ब्रांड्स अपने मेकअप का स्टफ लेके आना है तो आप इंडिया से लेके आ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आई लाइक टू वेयर लाइनर्स एंड मस्कारास, एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांड्स पसंद है तो यू कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ देम फ्रॉम देयर। यहाँ पर थोड़े से कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव है और उनका ज़्यादा वेट नहीं होता, तो यू शुड डेफिनेटली ब्रिंग फ्रॉम देयर। Again, let me talk about the sunscreen. If you are very particular about any brands, you can bring a stock of them, and bad may fit, you can order it online also, or you can even, you know, try out new brands here in Canada. Then you can bring a moisturizer if you want, but it's not necessary. You will get a good list of moisturizers here in Canada. तो अगर मैं परफ्यूम्स की बात करूँ गाइस, तो परफ्यूम्स भी मैं बहुत सारे लेके आ गई थी, उस वजह से भी मेरा बैग काफ़ी हैवी हो गया था, पर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी परफ्यूम्स मिल जाती हैं और अच्छे प्राइजेस में भी मिल जाती हैं। दूसरी बात, अगर आप उन्हें पैक करें गाइस, जस्ट मेक श्योर कि आप उसके टिप में टेप अच्छे से लगा के अपने बड़े वाले लगेज में डालें, क्योंकि अगर हम अपने छोटे कैबिन बैग में डालते हैं तो बार बार जब भी हमारी सिक्योरिटी चेक होती है, वी हैव टू रिमूव दोज थिंग्स आउट एंड पुट इट इन अनदर बैग फॉर द सिक्योरिटी चेक, तो ये काफ़ी हैसल हो जाता है ड्यूरिंग द सिक्योरिटी चेकअप। तो आपको क्या है, आप जो भी अपने लिक्विड सामान है, अपने शैम्पूज है, क्योंकि मैं बहुत पर्टिकुलरली इंडियन ब्रांड्स का एक बहुत अच्छा ब्रांड है मुझे पसंद आता है, वो सिर्फ इंडिया में ही मुझे मिला है, तो यहाँ पर नहीं मिला है, तो वो शैम्पू भी मुझे नहीं मिला है, तो आई एम हैविंग टू ट्राई अ न्यू शैम्पू नाउ, जो पैराफिन फ्री है, सल्फेट फ्री है ऑफकोर्स, बट फिर भी ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ आपको यहाँ पर सूट कर जाए। स्पेशली कैनेडा में पानी ऐसा है कि सबके बाल झड़ रहे हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबके बाल झड़ रहे हैं, मेरे भी बहुत बाल झड़े हैं यहाँ पर स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में। तो हर चीज डिपेंड करता है अपनी चॉइस में, तो इफ यू कुड ब्रिंग योर शैम्पूज इन स्मॉल बॉटल्स एंड दैट टू पैक्ड इन योर बिगर लगेजेस एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से उसमें टेपिंग कर दें। तो फिर आता है जी लास्ट थिंग जो होता है मेकअप में, लोग फाउंडेशंस एंड कंसीलर्स, मेकअप ब्रशेस एंड एवरीथिंग, यहाँ पर आपको सारे फाउंडेशंस एंड सब कुछ मिल जाता है और काफ़ी जेन्युइन प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इफ़ यू आर ब्रिंगिंग कैरिंग ओनली वन, दैट इज़ मोर देन इनफ, आप अपना वो फाउंडेशंस एंड हैवी स्टफ को स्टॉक करके मत लाइए, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। आई डोंट यूज़ अ फाउंडेशन तो आई कॉन्ट से मच अबाउट इट, बट येस यू शुड जस्ट ब्रिंग आई थिंक वन, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। मैंने देखा, आई वेंट शॉपिंग सो आई सॉ लाइक यू गेट एवरीथिंग इन अ वेरी गुड जेन्युइन प्राइस हियर। तो ये जो आप इंटरनेशनल ब्रांड्स आपके इंडिया में
आपको प्राइस करते हैं सेम, यहाँ पर आपको वही कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम कॉस्ट में आपको वो ब्रांड्स मिल जाते हैं. तो डोंट ब्रिंग अ लॉट ऑफ फाउंडेशन एंड हैवी स्टफ़ जो कांच की बॉटल में आते हैं, वो आप ज़्यादा मत लाइए क्योंकि वेट बढ़ जाता है. तो ये तो है जी हमारी पूरी लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू शुड ब्रिंग. अगेन इंसिस्टिंग, इफ पॉसिबल ब्रिंग मोर ऑफ योर समर क्लोथ्स एंड योर विंटर टॉप्स एंड 3 वार्मर्स आर मोर देन इनफ. तो ये तो हो गया जी हमारा पूरा लिस्ट. और पल्सेस एंड ऑल, अगेन आई एम टेलिंग, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, आटा चावल दालें सब कुछ. क्योंकि आप देखोगे कैनेडा में आधे से ज़्यादा लोग आपको इंडियंस ही दिखेंगे, तो यहाँ के जो मार्केट्स हैं वो उसी हिसाब से बने हैं कि आपको सारा इंडियन सामान मिल जाए. और वॉलमार्ट वगैरह में भी आपको सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं वो सब मिल जाता है. मैगी वगैरह भी गाइज आपको यहाँ पर मिल जाती है. तो मैं तो 15 पैकेट मैगी के लेके आने के चक्कर में थी कि मेरे को वहाँ मिलेगा नहीं मिली, लकीली मैं नहीं लाई. तो यहाँ पर मिल जाता है आपको सब कुछ. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो. वन वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू से गाइज इज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर रहे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू put a whole message, like एक proper sentence में आप मेरे को message डाले कि hi I watched this video and I have this question, or hi I'm coming to Canada and I have this question, that way I might be able to help you. But अगर आप सिर्फ एक hi लिख के छोड़ देंगे तो that there might be chances that I look into it and I ignore that message. क्यों? क्योंकि मेरे को बड़े सारे लोग hi करके they talk irrelevant things and I feel it's a waste of my time, because if I'm taking out time from my schedule and I'm looking into the messages, I want to make sure that I help people who are in need. So please feel free to message me on Instagram, but I would request you to put a whole sentence like hi Simran, I am coming to Canada and I need this help. I'll be more than happy to help you there. So that's all for the day. Take care of yourselves and enjoy your good time in India. You'll really miss India once you come here. And यहाँ पर आके आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है. कनाडा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है. मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि मैं कैसे होगा, I have to travel alone, कैसे होगा सब कुछ. तो सब कुछ हो जाता है. आप अच्छे से अपना ख्याल रखें. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, आप अपने भगवान जी जो मेरे माता रानी आपको पीछे दिख रहे होंगे, आप ज़रूर उनको लेके आइएगा क्योंकि आपको काफ़ी अच्छा लगता है. एंड यहाँ पर इंडियन टेम्पल्स हैं. मैं एक नया ब्लॉग आने वाला है मेरा नवरात्रि के जो यहाँ पर जगराता था उसमें, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है. तो यू फील मोर होमली, आप वहाँ पर जाके और इंडियंस अपने ही कल्चर के लोगों से मिलते हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है. तो आप ऐसी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो जहाँ पर आपका घर की आपको याद कम आए. यस डेफिनेटली घर की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता. तो गाइस मेक श्योर कि आप अच्छे से अपना टाइम इंडिया में एंजॉय कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड सी यू अगेन विद अनदर वीडियो. बाय बाय.